हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। आपका भाई यानी रहमत अली आज की इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ यानी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 5 को करने वाला है। जी हां, इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने सवाल नंबर 4 तक को सॉल्व कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप बिना समय गवाए सेशन को शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सवाल को पढ़ लेता हूँ और भी पढ़ लीजिएगा। और ये 4 के बाद 5 नंबर सवाल जो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट काफी है, मैं ये पूछा हुआ। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कहता है एक आयताकार बाग, अच्छा एक बाग है वो किसके आकार का है सर, आयत के आकार का है। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा देखिए, सवाल बोल रहा है एक आयत के आकार का बाग है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से, लंबाई यहां लिखते हैं सर, यहां लिखते हैं लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है सर, अधिक है इसीलिए प्लस दिए, कितना अधिक है तो 4 मीटर अधिक, इसलिए लिख दिए हैं प्लस 4 लिख दिए। यानी बोल रहा है कि आयत के आकार का जो बाग है ना, देखिए ये आयत होता है ना सर, फोटो नहीं बनाना है सिर्फ समझाने के लिए बना रहे, ये आयताकार जो बाग है ना, इस बाग की जो लंबाई है ना, ये लंबाई इसी को इसी भुजा को लंबाई कहते हैं, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना बेसी है सर, 4 बेसी है। यानी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 बेसी है, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, लंबाई के बराबर हो जाएगा। आगे कहता है 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। इस असली बीमाएं का मतलब क्या होता है सर, बोला है सवाल बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। सर बीमाएं का मतलब क्या होता है, देखिए सर बीमाएं का मतलब क्या होता है, देखिए बीमाएं का मतलब होता है सर कि कोई भी फोटो किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। बीमाएं का मतलब क्या होता है सर कि कोई भी फोटो किस से मिलके बना हुआ, किस किस चीज से मिलकर बना हुआ, यानी उसमें कौन कौन सा चीज शामिल है। जैसे ये आयत है, ये आयत किस किस से मिलके बनता है सर, तो ये आयत बनता है सर लंबाई से और ये बनता है सर चौड़ाई से, है ना। तो आयत की बीमाएं ज्ञात करने बोला, यानी क्या आयत की लंबाई ज्ञात करना है फिर चौड़ाई ज्ञात करना है। बीमाएं का मतलब क्या होता है सर, कोई भी चीज किससे मिलके बनता है, आयत किससे मिलके बनता है सर लंबाई और चौड़ाई से, इसलिए हमको आयत की बीमाएं बोला यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब एक बात हम आपसे सर पूछते हैं, हमको सवाल में दिया है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, सवाल में सिर्फ एक दो चीज देता है तब ये कुछ मांगता है, और सवाल का नियम होता है जब तक वो कुछ देगा नहीं तब तक कुछ वो मांगेगा नहीं। सवाल में बोला था कि लंबाई जो है ना ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम आपसे पूछे कि पहले लंबाई पता होना जरूरी है कि पहले चौड़ाई पता होना जरूरी है, तो आप क्या बोलेंगे जानिए इतने सर, आप बोलिएगा सर पहले चौड़ाई पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो चौड़ाई पता चल जाएगा तो उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो लंबाई नहीं आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर चौड़ाई मेरा 20 होगा, अगर मान लेते सपोजिट अगर चौड़ाई 20 आएगा तो लंबाई निकालना है, सवाल क्लियर बोल दिया है लंबाई का मान उतना होगा कितना जितना चौड़ाई आएगा ना, उसमें 4 जोड़ देंगे तो वो क्या निकल जाएगा सर, लंबाई निकल जाएगा। इसलिए पहले हमको चौड़ाई पता होना जरूरी है। अगर मान लो चौड़ाई 20 आएगा तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, ये 24 किसका मान हो जाएगा सर लंबाई का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई दिया नहीं और यही लंबाई चौड़ाई पूछ भी रहा है क्योंकि बीमाएं पूछा तो बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लंबाई चौड़ाई नहीं दिया, तो गणित का नियम है सर, गणित की दुनिया में जो चीज नहीं देता उसको क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे सर, मान लेंगे, मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे सर, तो हम लोग यहां पे मानेंगे, माना कि आयताकार बाग की ऊंची बगुआ, आयताकार बाग की पहले क्या पता होना जरूरी है सर, चौड़ाई, पहले क्या पता होना जरूरी है चौड़ाई, चौड़ाई x मीटर है, कोई लोचा है। अच्छा अगर हम पूछेंगे बगुआ कि आयताकार बाग की लंबाई क्या होगा, आयताकार बाग की लंबाई क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा सर, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 बेसी है, चौड़ाई जितना होगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो चौड़ाई का मान x है, चौड़ाई का मान कौन सी है सर x है, इसमें हमको 4 क्या करना है सर प्लस कर देना है, यानी x प्लस 4 मीटर हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगा सर आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगा। उम्मीद करते दोस्तों समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर देखिए हम लोग चलेंगे प्रश्न से, हम लोग क्या किससे चलेंगे सर, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में ना कुछ दिया है और सवाल का नियम होता है जब तक वो कुछ देगा नहीं तब तक उसका बाप कदम नहीं कि वो कुछ मांग लेगा। तो सवाल में दिया है आयताकार जो बाघ है ना उसका अर्ध परिमाप, यानी आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। अब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले इसको लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है सर, तो दिया है आयताकार कुंची बउआ, आयताकार बाघ का या बाघ की अर्ध परिमाप, कुंची दिया बउआ रे, आयताकार बाघ की
अर्ध परिमाप, कौन सी बउआ अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया कितना सर 36 मीटर, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे 36 मीटर, उतर नहीं लिखेंगे, सब लास्ट में लगा देंगे, कहां पर लगाएंगे बता देंगे। आयताकार बात की अर्ध परिमाप कितना दिया, 36 दिया कि नहीं दिया, आपके सवाल में लिखा हुआ। अब देखिए सर, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर, तो क्या हम ये जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप लिखा इसके जगह पे ये लिख सकते हैं क्या? एक मिनट देख लीजिए सर, एक मिनट देखिए, 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई बटा 2। सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, आयन समझाते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है सर? आयत का परिमाप हम अगर आपसे पूछेंगे बउआ क्या होता है, तो बोलिएगा सर कि 2 इंटू लंबाई प्लस होता है सर चौड़ाई। हमको देखिए सर, यहाँ पे आयताकार भाग का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे हमको आयताकार भाग का परिमाप नहीं निकला है, परिमाप का मतलब समुच्चा। यहाँ पे देखिए लिखल अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा होता है, अर्ध का मतलब आधा होता है। देखिए अर्ध अर्ध परिमाप होता है सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके बटा में 2 देना। कैसे देखिए, हम अगर आपसे पूछेंगे बउआ बोलो कि 10 का आधा कितना होगा, तो बोलता है 5। हम बोलेंगे सर 50 का आधा कितना होता है, तो बोलेगा 25। सर किसी भी चीज का आधा करने के लिए ना उसमें 2 से भाग लगा देते हैं, असली में होता क्या है इसमें 2 से भाग लगा जाता है, अगर 2 से भाग देंगे 2 5 10, 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा 25 आएगा। तो किसी भी चीज का आधा करने के लिए उसमें 2 से भागा लगाया जाता है। अब देखिए सर, यहाँ पे लिखा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो आयत का परिमाप यानी समुच्चा का जो परिमाप होता है ना, वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और यहाँ लिखा अर्ध परिमाप, तो अर्ध मतलब आधा, आधा निकलने के लिए कोई भी चीज में क्या करते हैं सर 2 से भाग दे देते हैं। तो आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या होता है सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2 होता है, और उधर आपका 36 तो है ये। अब देखिए सर, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों का मान बैठा देंगे सर, तो लंबाई का मान कितना, देखिए लंबाई का मान x प्लस 4 है, तो लंबाई कीजिए पे x प्लस 4 प्लस है तब प्लस, चौड़ाई है सर, चौड़ाई कीजिए पे क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई कीजिए पे लिख सकते हैं x, और उधर कितना है सर, उधर आपका 36 है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जोड़ दीजिए, x x, एगो x एगो x, 2 को x, और ये अंक वाला एक तरफ भेज देते हैं, उधर क्या करते हैं सर भेज देते हैं। देखिए 36 तो है वे करें, 4 प्लस में उधर गया था माइनस में, 2x है था सर 2x, 36 में 4 गया था आपका हो गया 32, और हमको x अगर निकालना है क्या करेंगे, 2 बटा में भेज देंगे, यहीं पर कर दीजिए, यहीं पर कर दे सीधा, 16 दूना 32, तो x का मान कितना आ गया सर 16 आ गया, कितना आ गया सर 16 आ गया, और x मतलब क्या होता है सर चौड़ाई होता है, यानी चौड़ाई का मान कितना आएगा 16, और जैसे ही चौड़ाई आया हम बोले थे उसमें 4 जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर लंबाई आ जाएगा, तो 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 होगा, 20 क्या होगा सर इसकी लंबाई होगा। इसको भाषा में लिखेंगे ऐसे करके, लिखेंगे ऐसे करके लिखेंगे सर, इसके नीचे में आप लोग लिखिएगा अतः, कौन सी लिखेंगे सर, अतः आयताकार बाग की, आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई का मान सर x ना है, और x का मान कितना लाए 16, और यहाँ पे मीटर लगा लेते, इसमें क्या लगा देंगे सर मीटर। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मेरे भाई रुक जा, देख रहा हूँ दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा इधर घुमा देंगे तो दिख जाएगा, इधर घुमा देते हैं मेरे भाई दिख जाएगा, अब देखो दिख जाएगा। आयताकार बाग की सर चौड़ाई निकालना है, देखिए ठीक सर, आयताकार बाग की चौड़ाई निकालना था, देखिए सर चौड़ाई का मान है x, और x का मान कितना निकाले सर 16, तो इस x की जेब क्या बैठा देंगे 16, यहाँ मीटर लगा रहता मीटर लगा देंगे, कोई लोचा है। फिर आयताकार बाग की निकालना सर हमको लंबाई, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे आयताकार, चलो इधर ऐसे लिख देते हैं आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई क्या सर x प्लस 4 ना है, तो x का मान डायरेक्ट बैठा दीजिए, जैसे x प्लस 4 है ना, x का मान क्या है सर x के जगह पे इस x की जगह बैठाएंगे 16, अब प्लस 4 है था 4, अब मीटर लगा है था मीटर, देखिए देखिए सर देखिए फिर से देखिए, x की जगह पे x का मान बैठा, x का मान कितना निकाले सर 16, प्लस है तो प्लस, अब 4 है तो 4, मीटर लगा था मीटर, और 16 4 कितना होगा सर 20, अब मीटर है था मीटर, वो तो ऐसा ही समझ गए थे, 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 मीटर नहीं हो जाएगा, तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए सर अब सवाल नंबर 5 पर, सवाल नंबर अगला यानी 6 की ओर चलते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में कह रहा है सर, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, एक समीकरण हमको किताब वाला दिया है 2x प्लस 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, कहता है दो चरों में, कई चरों बउआ दो चरों में, कई चरों बउआ दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, ओहो दो चर में एक और ऐसी समीकरण लिखिए,
इसका मतलब क्या, सवाल में एक और समीकरण का जरूरी है जो हमको लिखना है। एक समीकरण किताब खुद दिया है और एक समीकरण में बोल रहा है कि दो चरों में एक और ऐसी समीकरण लिखिए, यानी अपने लोग को लिखना है, सवाल नहीं लिख के देगा, हम लोग को खुद लिखना है। लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि अब नीचे में तीन क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि पहला में बोला है रेखाएं प्रतिच्छेदी है, दूसरा समांतर रेखा, तीसरा संपाती। काका बक दिया सर, कुछ समझे में आया सर, लोचा कहे हम है ना आपके साथ, कदम से कदम मिला के चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए सवाल क्या कहना चाहता है, पहले एक समीकरण जो दिया है सर उसको लिख लेते हैं, पहले एक समीकरण जो दिया है उसको सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बहुआ रे लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं सर समीकरण क्या दिया है, लिख लेते हैं रैखिक समीकरण क्या दिया है, तो लिख लेते हैं सर रैखिक समीकरण क्या दिया है, पहले लिखने दीजिए फिर समझाते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, 2x प्लस 3y - 8 = 0, ये एक समीकरण दिया है बिल्कुल। अब इसमें ना हमको सर टोटल तीन क्वेश्चन दिया गया, टोटल कितना क्वेश्चन दिया गया सर, तीन क्वेश्चन दिया गया। मैं वो तीनों क्वेश्चन को पहले बारी बारी से लिख लेता हूँ, उसके बाद देखिए समझाता हूँ। तीन क्वेश्चन दिया है, बोला है कि एक एक समीकरण ये दिया है और बोला है एगो अपने मन से, और समीकरण आप अपने मन से कुछ भी लीजिए और ऐसा लिखिए कि पहला नंबर सवाल के लिए उसका रेखा प्रतिच्छेदी होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए, वो अरे प्रतिच्छेदी होना चाहिए। रेखा कैसे लेना है सर, प्रतिच्छेदी लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। सवाल नंबर दो के लिए बोला है ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि रेखा समांतर होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए बउआ रे, रेखा समांतर रेखा होना चाहिए। तीसरा नंबर में जो है ना आपको सर लेना है वो रेखा संपातीय होगा तब ससुरे की, तीसरा नंबर में बोला है सर ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि रेखा संपाती होना चाहिए। मतलब समझिए, देखिए सर एक समीकरण आपको ये दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं कि 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको समीकरण दिया है। एक समीकरण आपको अपने मन से लेना है, ऐसा समीकरण लेना है कि वो उसका जो जब सॉल्व करेंगे ना a1/a2 निकालेंगे ना तो उसका रेखा कैसा होना चाहिए सर, प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। दूसरे सवाल में उसका जो आपको ऐसा समीकरण लेना है उसका रेखा समांतर होना चाहिए, इसी प्रकार तीसरे नंबर सवाल में वो रेखा संपाती होना चाहिए। तो आपको एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण और बनाना है, तो ऐसा समीकरण लीजिए कि रेखा प्रतिच्छेदी होना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सर प्रतिच्छेदी रेखा के लिए समीकरण होता है आपको, आप लोग को पता होगा पीछे जैसा कि हम बताएं a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, यानी पहला और दूसरा बराबर नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये एक तो समीकरण दे गया है, इसके अनुसार आपको देख के एक और समीकरण लेना है। कैसे, एक मिनट रुकिए सर, जैसे यहाँ पर 2x है ना, आप अपने मर्जी से कुछ भी ले लीजिए सर, कुछ भी ले लीजिए अपने मर्जी से, 5x, 10x, 20x - 2x + 4 कुछ भी ले लो। फिर यहाँ पे हम, यहाँ पे 3y है ना सर, हम यहाँ पे कर देते हैं 4y, यहाँ -8 है ना, आप यहाँ पे माइनस में कुछ लिख दो या प्लस में कुछ लिख दो, आपका मर्जी के ऊपर है, बराबर कुछ कुछ भी दे दो अपने मर्जी से। फिर से आपको एक समीकरण अपने मन से लेना है, कुछ भी लीजिए सिर्फ उसका रेखा होना चाहिए सर आपको प्रतिच्छेदी। कैसे होगा सर, हम अपने मर्जी से कुछ भी ले लिए, जैसे 4x है, प्लस आपका मर्जी होगा माइनस भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे ले लिए प्लस का 5y, यहाँ माइनस, आप यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर कुछ भी ले लीजिए, उधर बराबर उधर कुछ भी लिख दीजिए, हम ऐसा काहे लिखें। तो देखिए सर सवाल बोला प्रतिच्छेदी होना चाहिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी तभी होती है, हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी, कुंची बउआ प्रतिच्छेदी तभी होती है जब, कब रे, तो जब सर आपको a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके बउआ रे, b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए किसके बउआ रे, b1/b2 के। अब जैसे देखिए सर a1 मतलब पहला समीकरण में x से गुणा में, जैसा कि पीछे बताएं तो a1 का वैल्यू कितना है 2 और a2 का वैल्यू कितना है सर 4, काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। अब a1 के बाद क्या निकालते हैं सर b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है सर 3 है, b2 का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ क्या है सर आपको, यहाँ पर आपको 1/2 है, यहाँ 3/5 है, बोलिए क्या दोनों बराबर हुआ ना, बराबर हुआ तो नोट इज गल टू हो गया, और नोट इज गल टू वाला हमको लिए बोला है एक समीकरण अपने मन से ऐसा लिखिए, एक समीकरण अपने मर्जी से ऐसा लिखिए कि रेखा प्रतिच्छेदी होना चाहिए। तो आपको देखिए सर
ये कुछ भी उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये दोनों देखना है क्योंकि पहला दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों हमको देखना है कि यहाँ पे दो है तो हम यहाँ पे क्या दे, फिर यहाँ पे तीन है तो हम यहाँ पे क्या दे, कि एक दूसरे को जो है ना मान A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर नहीं हो सके, समझ गए। अगर फिर भी नहीं समझे, जैसे यहाँ देखिए समांतर रेखा बोला है, तो हम पहले इस समीकरण को लिख देंगे, लिख देंगे सर समीकरण जो दिया है, समीकरण क्या है सर 2x + 3y - 8 = 0 दिया है, हमको बोला है रेखा समांतर होना चाहिए। तो हम लोग ना सबसे पहले एक समीकरण लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे तो देखिए सर यहाँ पे इसका बात हम पहले लिख देते हैं, रेखाएं समांतर तभी होती है जब, समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है सर, तो समांतर रेखा का समीकरण होता है कि पहला और दूसरा होता है सर बराबर, यानी A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके सर C1 बटा C2 के, यानी पहला दूसरा बराबर होता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है। तो देखिए सर रेखाएं समांतर होना चाहिए, तो आपको एक समीकरण ऐसा लेना है कि पहला दूसरा बराबर हो जाए लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक समीकरण अपने मन से लिखिए, तो देखिए जिसको भी बराबर करवाना है ना, सिंपल ट्रिक है बाबा, कुछ नहीं, यहाँ पर 2x है ना, इसका दुगुना कर दो या तीन गुना कर दो या चार गुना कर दो या 20 गुना कर दो, कुछ भी कर दो। जैसे देखो यहाँ पर 2x है, हम दुगुना करना चाहते हैं तो 2x का दुगुना क्या होगा 4x, अपने मन से समीकरण लिखना है ना भाई, तो 2 का दुगुना 4x। अब इसमें भी क्या करेंगे सर, दुगुना ही करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे दुगुना, जैसे 3y का दुगुना कितना होगा 6y। अब इसका दुगुना नहीं करेंगे, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस भी दे सकते हैं प्लस भी दे सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर दुगुना नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखिए ना अभी 2 बराबर करना तीसरा बराबर नहीं करना, तो यहाँ 8 हम कुछ भी दे दे, खाली ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, उधर कुछ भी 0 दे देते हैं। अब जैसे समझिए सर A1 का वैल्यू कितना है 2 है, A2 का वैल्यू कितना है सर 4, तो काट देंगे तो कितना होगा सर, काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा 2। अब निकालेंगे हम लोग सर B1 बटा B2, क्या निकालेंगे B1 बटा B2, B1 का वैल्यू कितना है सर 3 है और B2 का वैल्यू कितना है 6 है, काट देगा तो कितना होगा सर 3 × 2 = 6, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 कितना होगा सर 2 होगा। उसी प्रकार अब C1 बटा C2 निकालिए, C1 बटा C2, C1 का वैल्यू कितना है सर, C1 का वैल्यू कितना है सर -8 और C2 का वैल्यू कितना है -9, बहुत करेंगे तो माइनस से माइनस काटेंगे फिर भी 8/9 होगा। देखिए यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, यानी पहला दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर है क्या, यहाँ 1/2 आया ना बराबर, तो पहला दूसरा बराबर हो गया तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो ये रेखा कैसा होता है सर समांतर रेखा होता है। तो आपको जो है अगर किसी में बराबर करवाना है तो उसका दुगुना कर दो या तीन गुना करवा दो, कुछ भी करवा दो, जिसको बराबर करवाना है उसका कईयों गुना करवा सकते हैं, कोई लोचा है। अब जैसे आइए सर एक सवाल और देखते हैं, संपाति रेखा होना चाहिए, सबके लिए समीकरण यही है, सबके लिए समीकरण आपका यही है, तो पहले लिख दीजिए इसका 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको बोला है रेखा संपाति होना चाहिए, रेखा कैसा होना चाहिए संपाति, तो पहले यहां पे लिख लेते हैं संपाति रेखा तभी होती है जब, जब क्या होता है तीनों आपस में बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए A1 बटा A2 = B1 बटा B2 = C1 बटा C2। अब तीनों बराबर करवाना है ना, कुछ नहीं कीजिए, इसका दुगुना कर दीजिए या तीन गुना करिए, दुगुना करिएगा तो सबका करिएगा, तीन गुना करिएगा तो सबका करिएगा, चार गुना करिएगा तो जय, कितना गुना करना है सबका करना है, तो 2x का दुगुना कितना हो जाएगा सर 4x, 3y का दुगुना सर 6y, 8 का दुगुना 16 और 0 में कुछ भी करेगा 0 होगा। अब देखो A1 का मान बैठा, A1 का मान 2 और A2 का वैल्यू 4, काट देंगे तो कितना होगा सर 1/2, फिर निकालो B1 बटा B2, B1 का वैल्यू कितना है सर 3 और B2 का वैल्यू कितना है 6, काट देंगे तो 1/2 कितना आ गया 2, पहला दूसरा अभी तक बराबर है। फिर C1 बटा C2 निकालिए, C1 का वैल्यू -8 और C2 का वैल्यू -16, माइनस से माइनस कट गया 8 × 16 कितना आ गया 1/2, देखिए तीनों का मान बराबर है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो तीनों बराबर हो गया, तो रेखा कैसा हो गया सर आपका संपाति हो गया। तो जिसका भी बराबर करना है उसमें 2 से गुना कर दो, अगर तीन गुना करेंगे तो सबका तीन गुना करेंगे, इसका भी तीन गुना, इसका भी तीन गुना, इसका भी तीन गुना, तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट सवाल की ओर, तो चलिए सर अब इसी का लास्ट यानी 7वां नंबर सवाल जो कि लास्ट उसको पढ़ लेते हैं सर। सवाल कहता है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ओहो देखिए 2 को समीकरण दिया है और सबसे पहले बोला इसका ग्राफ खींचिए। देखिए इस सवाल में कई प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, 2-3 सवाल पूछे जाएंगे आपको, ठीक ना। तो पहले बारीकी से सुन लेते, पहले बोला समीकरण इतना इतना ग्राफ खींचिए, फिर आगे बोल रहा है
एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। ओहो, ग्राफ नहीं खींचते हैं तो उससे रेखा बनता है ना सर, एक दूसरे को ना काटता उड़ता, उससे रेखा बनता है तो उस रेखा से एक त्रिभुज बनेगा। इसीलिए सवाल के अंदर बोल रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब होता है रंगना, छायांकित का मतलब क्या होता है सर, पेंट करना। देखिए अभी सवाल को समझ में नहीं आया, पहले जो है ना इस सवाल का समीकरण लिखते, पहले इस सवाल का समीकरण लिखते। देखिए 7 नंबर सवाल में ना 3 गो सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले समीकरण है सर आपका एक्स माइनस वाई, किधर चले गया ससुरी, और इधर आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो यानी एक है, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर एक है। आगे है दूसरा समीकरण, समीकरण दूसरा है सर आपका 3x प्लस का 2y माइनस 12 बराबर जीरो है। इसका पहले बोला है सर ग्राफ खींचिए, इसका क्या बोला है सर, पहले ग्राफ खींचना है, उसके बाद जब ग्राफ खींचेंगे ना तो इस ग्राफ से सर दो रेखा बनेगा, वो दोनों रेखा एक दूसरे को काट देगा, एक दूसरे को काट देगा और काटेगा ऐसा डिजाइन से काटेगा कि काटने से एक त्रिभुज बन जाएगा, काटने से क्या बन जाएगा सर, त्रिभुज। तो हमें बोला है कि निर्देशांक त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष का मतलब सर ये जो बिंदु नहीं होता है जहाँ पे ये दो रेखा आपस में एक दूसरे से आके मिला, जैसे यहाँ पे आके मिला है ना तो इस बिंदु का निर्देशांक, फिर यहाँ पे आके मिला है ना इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। समझ में आ गया, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा बहुत ज्यादा यहाँ पे हल्ला गुल्ला की आवाज आ रही है। चलिए दोस्तों, तो त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, फिर साथ ही साथ बोला है इस त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब होता है रंगना, छायांकित का मतलब क्या होता है सर, रंगना। तो कैसे रंगेंगे वो तो बात की बात है, वो जब आएंगे तब रंगेंगे। सबसे पहले इसका एक ग्राफ खींचना है, तो चलिए सर ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, एक डिब्बा तैयार करते हैं। क्या करते हैं सर हम, यहाँ हम लोग जो है यहाँ पर डिब्बा तैयार करते हैं। चलिए इसी बात को हम यहाँ लिख दे रहे, इसको मिटा देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं सर, आपको पता है कि वो क्या होता है सर, ये वो होता है आपका कोपचा तैयार। इस कोपचा के अंदर कितना खाना बनता है सर, जैसा कि समीकरण 3.1 में पढ़ चुके हैं एक्स वाई होता है, इसके लिए भी सर हम लोग क्या करेंगे, कोपचा तैयार करेंगे। 3 गो इसके अंदर क्या बनेगा सर, खाना बनेगा। कोई लोचा है, अच्छा आपका मर्जी होगा, ये एक को उधर भेज भी सकते हैं ना, जैसे पहले समीकरण जो देता था तैसे देता था ग्राफ खींचने के लिए, तो आपका मर्जी होगा तो इसे एक उधर भी भेज सकते हैं, क्या जगह माइनस से, तो इस समीकरण को फिर ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बात उतना ही होगा। चलिए तो अब डिब्बा भरते हैं, डिब्बा सब में क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे एक्स माइनस का वाई प्लस एक बराबर जीरो। चलिए सर एक्स का मान रखेंगे तो वाई निकलेगा, वाई का रखेंगे तो एक्स निकलेगा, आपको पता ही है। हम क्या करते हैं सर, वाई का मान माइनस एक रख देते हैं, सॉरी सिर्फ एक रखते हैं, वाई का मान कैसा रखना चाहते हैं, अब एक ही क्यों, देखिए मान सॉलिड में रखा जाता था कि बटा मने आना चाहिए, जैसा कि पहले बता चुके हैं। देखिए वाई का मान एक रखेंगे तो एक्स निकलेगा, तो एक्स वाई साई माइनस है तो माइनस, वाई का मान कितना रखना चाहते हैं एक, उधर क्या है सर प्लस का एक, उधर क्या है जीरो। देखिए माइनस के एक से प्लस से कट गया, एक्स बार उधर खाली क्या बचा जीरो, यानी वाई का मान एक रखने से सर एक्स का मान आ गया जीरो आ गया। फिर एक्स का मान कुछ रख दीजिए, फिर वाई का मान कुछ भी रख सकते हैं सर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रख दिए हैं कि एक्स का मान जो है रख सकते हैं या वाई का मान रख सकते हैं, तो हम अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं इस दिन वाई का मान दो रख देते हैं, क्या रख देते हैं दो रख देते हैं, तो एक्स तो वैसा ही रहेगा सर माइनस है तो माइनस, वाई का मान कितना रखे है दो रखे है, प्लस का एक है तो एक, उधर का है सर जीरो। अब देखिए एक्स माइनस दो से एक घटेगा माइनस एक, उधर क्या बच गया जीरो, अब एक उधर चल जाएगा तो प्लस का एक नहीं हो जाएगा, यानी वाई का मान दूर रखने से एक्स का मान कितना गया सर एक आ गया। चलिए इसका हो गया कोपचा आपका तैयार, अब इसका कोपचा तैयार करते हैं सर। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका सर 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो है, इसमें कुछ मान रखिए सर, इसमें हम एक्स का मान रख देते हैं जीरो, जीरो रखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा सर प्लस का छः। कैसे देखिए एक्स का मान जीरो रखेंगे तो जीरो 3 से गुणा पूरा सिस्टम में जीरो हो गया, ये आपका बच गया प्लस का 2y, माइनस में इधर 12 उधर चल गया था प्लस का 12, अब जीरो यहाँ पे लिखने लिखे कोई फर्क पड़ेगा भाई, तो दो छः कितना होगा 12, दो छः के 12 यानी वाई का मान कितना निकल जाएगा सर 6 निकल जाएगा। कोई लोचा है, ये आपको बनाते बनाते जो है ना दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी का बात नहीं है। अब जो है ना हम सर वाई का मान जीरो रख देते हैं, वाई का मान जीरो रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। कैसे देखिए 3x है तो 3x, वाई का मान रखना चाहते हैं जीरो, तो जीरो रखेंगे तो जीरो दूसरे गुना पूरा सिस्टम जीरो, और उधर माइनस का 12 उधर क्या है जीरो। अब देखिए सर 12 उधर चल जाएगा प्लस का 12 या 3 चौके 12, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपको बनाना है। अब बोला था ग्राफ खींचिए, फिर इन ग्राफ से आप जो है
त्रिभुज बनाइएगा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से। अब किन रेखाओं सर? तो देखिए ये दोनों से एक रेखा बनेगा। सबसे पहले ग्राफ बनाइए, उसके बाद रेखा तैयार होगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं सर, हम लोग एक एक्स वाई तल खींच देते थे। चलिए आप लोग भी खींच दीजिए। खींच देते सर यहाँ पर, यहाँ पे आपका क्या होता है सर, जीरो होता है। उसके बाद यहाँ पे एक, उसके बाद दो, जैसा कि पीछे पड़ चुके हैं, फिर तीन। एक्स का हाईएस्ट मान कितना है सर, उसमें एक्स का मान जीरो है, किसमें एक्स का मान जीरो है, हाईएस्ट मान जीरो चार तक, मतलब चार तक तो आपको लिखना है, बेसी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं। ये आपका कौन सा अक्ष हो गया सर, सॉरी एक्स अक्ष हो गया। फिर इधर एक्स का अगर मान लिखेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस एक आएगा, इसी प्रकार माइनस दो आएगा, कोई लोचा है, माइनस तीन आते रहेगा। एक्स का मान तो वैसे है भी ना करें माइनस में, तो इधर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर वाई का हाईएस्ट मान ऊपर कितना है सर, छः तक, यानी ऊपर हमको कम से कम कितना तक लिखना है, छः तक तो लिखना ही पड़ेगा। एक कितना सर, एक, उसके बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद कितना है सर, पाँच, पाँच के बाद छः। तो सामना सामने लिखते हैं तब ठीक रहेगा। एक के बाद हो गया पाँच, के बाद होगा यहाँ पे चार, चार के बाद यहाँ पे होगा तीन, तीन के बाद यहाँ पे दो, दो के बाद यहाँ पे एक। चलिए सर मान बैठाइए, सबका मान बैठाइए। एक्स का मान जीरो लेना है तो वाई का मान कितना लेना, एक। किसी का भी मान जीरो यहीं पर ना होता है तो एक्स का मान जीरो, क्योंकि सर एक्स का मान जीरो वाई का मान, एक्स का मान जीरो वाई का मान एक, वाई का मान तो ऊपर होता है, ये आपका कौन सा अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, तो यहाँ पे ये बिंदु हुआ कि नहीं होगा। एक्स का मान कितना है सर, तो एक्स का मान जो है ना आपका है जीरो कोमा एक, एक्स का मान, एक्स का मान जीरो, वाई का मान कितना है सर, एक। चलिए फिर एक्स का मान एक, वाई का मान दो, एक्स का मान एक यही होगा और वाई का मान दो। देखिए सर इस बिंदु को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जीरो कोमा एक को, इसका बदला यहाँ पे भी लिख सकते हैं, किधरों लिख सकते हैं। एक्स का मान एक देखिए, अब वाई का मान दो यहीं पर ना होगा भाई, पीछे कितना बार बना चुके हैं, एक्स का मान एक, वाई का मान कितना है सर, दो। देखिए ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये वाई में दो के सामने, एक्स में एक के सामने है कि नहीं। चलिए यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक कितना है सर, तो इस बिंदु का निर्देशांक है एक्स का मान एक, वाई का मान दो है। चलिए अभी दोनों बिंदु क्या करते हैं सर, हम लोग मिला देते थे। चलिए आपको कुछ नहीं करना, बस मिला देना, आप सिर्फ मिलाते जाइए, देखिएगा त्रिभुज अपने आप बन जाएगा, त्रिभुज अपने आप बन जाएगा। इसको सिर्फ मिला दीजिए, इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मिला देना है। चलिए सर मिला दिए, यहाँ पे आपको जो है सर मिला देना, मिलाते रहिए मिलाते रहिए। मिलाने के बाद इस पे इसका समीकरण भी लिखा जाता है, आपका इच्छा है तो लिख दीजिए कहीं पे कोपचा में। चलिए इसका लिख देते हैं सर, इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो लिख दिए है, कोई लोचा है। चलिए अब इसका मान बैठा, x का मान जीरो, y का मान छः, x का मान जीरो और y का मान छः, ऊपर होगा कि नहीं होगा सर, यहाँ पे x का मान जीरो और y का मान कितना है सर, छः है। फिर एक्स का मान चार, वाई का मान जीरो, एक्स का मान चार, एक्स का मान चार यही तो होगा सर, वाई का मान जीरो यहीं पर ना होगा, आए तो आपको सिखा चुके हैं पहले ही, एक्स का मान चार, वाई का मान जीरो। अब ये दोनों बिंदु को क्या करना है सर, मिला देना, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। तो चलिए कैसे मिलाएंगे, तो देखिए मिलाते हैं, दोनों बिंदु को आपको करना है सर मिला देना। चलिए जल्दी से नहीं कि इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, आप सिर्फ मिलाते जाइए सीधा सीधे जैसे मिलाया जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो सकता है दोस्तों। चलिए इसको मिला दिए हैं, अब अगर आप मिलाने के बाद गौर से देखिएगा ना, तो एक चीज बन रहा है। सबसे पहले इस पे इसका समीकरण लिख देते हैं, हटाइए ऊपर भी तो नहीं खींच दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, खींच सकते हैं बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए, इसका समीकरण क्या है, समीकरण है सर थ्री एक्स प्लस का टू वाई माइनस का बारह बराबर जीरो। अब गौर से देखिएगा, आपको बोला था इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं यानी ये जो रेखा खींची है, एक रेखा ये वाला और एक रेखा ये वाला, इस रेखा जहां पे काटा है, हम बोले थे ना काटने से त्रिभुज बन जाएगा। गौर से देखिएगा, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसे करके गौर से देखिए। सवाल में यही ने बोला था कि इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सब रेखा आपस में दूसरे काटा, ये त्रिभुज बना, गौर से देखिए ये एक त्रिभुज है, ये है कि नहीं है, तो बस यही त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना। शीर्ष मतलब तीन गो मुंडी, तो ई मुंडी है, बुआ मुंडी के सामने, तो देखिए ये नीचे देखो, ये दो के सामने है कि नहीं, दो के सामने है कि नहीं, इसमें किसके सामने, तीन के सामने है कि नहीं, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो सर इस बिंदु का निर्देशांक होगा दो कोमा तीन होगा, कोई लोचा है। अच्छा इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक तो पहले लिख चुके हैं चार कोमा जीरो, देखिए चार कमा जीरो ना था, एक्स कमान चार वाई कमान जीरो, तो इस बिंदु का निर्देशांक तो चार कमा जीरो है, करें
अब अच्छा इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो x में इधर कितना के सामने कितना पर माइनस एक के पढ़ना है, यानी x का मान माइनस एक का, y का मान कितना होता है सर जीरो होता है। तो तीनों शीर्ष का निर्देशांक निकाल लिए हैं, अब यहाँ पे लिख देंगे। साथ ही साथ एक चीज और बोला था, त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ छायांकित भाग को मतलब रंगिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो नीचे में लिख देंगे, अतः त्रिभुज, लाओ हिंदी में लिख देते हैं, अतः त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक कुंची बाबू अरे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कर्म से है, कुंची बाबू कर्म से कौन कौन होगा रे, 2.3, फिर इस बिंदु वाला, फिर इस बिंदु वाला कितना बुआ रे 4.0, तथा इस बिंदु वाला -1.0। अब साथ ही साथ बोला था त्रिभुजाकार भाग को रंग है, तो चलिए ये जो त्रिभुज है ना सर इसको रंग देते हैं, ये जो त्रिभुज बना है ना इसको क्या करना है सर रंगना है, बस इसी पर कर रंगा जाता है गणित की दुनिया में, इसी पर अगर आपको क्या करना है सर रंग देना है, क्या करना है सर रंग देना है, चलिए इसी पर अगर आपको क्या करना है रंग देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो से कुछ सीख मिला होगा तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।